जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, चल लगा पूरी ताकत लगा, तेज जकड़ लो उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको। जकड़ो उसको और तेजी जकड़ो उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم فاطر السماوات والارض عليم الغيب شهدنا انت الرحمن الرحيم اللهم اني اعود اليك في هذه الحياه الدنيا اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الله نفسي فعينك تكلني الله نفسي تقربني اشهد ان واني لا تكل الله برحمتك فاجعلني عند غد توفيق يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين। जलाओ उसके अंदर से और तेजी से आग लगाओ, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। और जोर से लगा पूरी ताकत, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो, झगड़ लो उसको और तेज झगड़ो। Come on.
जकड़ो उसके पेट में से आग लगाओ, जलाओ उसको तेज, जलाओ जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेज से, जलाओ उसको तेज से, जकड़ लो उसको, चल लगा पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है तो लगा और जोर से पूरी ताकत से, जकड़ो उसको और तेज, जकड़ लो उसको, चल बोल कौन है तू, मरे वाला इंसान है जिन्नात है हाँ कौन है, मरे हुआ इंसान है जिन्नात है, जल्दी बोल कौन है, तो टाइम नहीं मेरे पास, पूरा खत्म करूंगा, बोल कौन है, मरे हुआ इंसान है जिन्नात है, जकड़ो उसको और तेजी, जकड़ो उसको, नाला के हाथा काट के ले लेंगे, जकड़ लो उसके हाथा, चल ले लो काट के तेरे हाथा, दोनों भी हाथा काटूं, हाँ बोल जबान से बोल, जबान से बोल, गुस्सा आ रहा है मुझे, काट लूंगा तेरे हाथा तेरे, जल्दी बोल काटो काट लेने का दोनों हाथा, जबान से बोल जल्दी, हाँ नहीं बोलता, याद है तेरे को सब, कहाँ से आया था तू, मरे वाला है जिन्ना थे, कौन है, मरा हुआ इंसान है जिन्ना थे, जल्दी बोल, जकड़ो उसको तो जकड़ो, उसके हाथा काट के ले लेंगे अपन उसके, चल बोल तेरा कौन सा हाथ काटूं, देख बाद में मेरे को बोलना आने वाला कि मैं हाथा काटने लगा दूंगा तो मैंने बचने का मौका नहीं दिया बोल के, जल्दी मेरे सामने सब सही से बोल, उसके बाद मैं तेरे को आजाद कराऊंगा, चल आजाद कराऊं, खैद करा दूं, हाँ जल्दी चला लगा पूरी ताकत लगा के, जल्दी हाँ बोल, हाँ कहाँ मिला था वो बच्चा, देखू कौन डाला उसके आंख में, देखू कौन ला के छोड़ा, वो कहीं में मिला के खिलाए थे, हाँ चलाओ उसको जरा, चकड़ो जरा तेजी से, जोर से और 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 जोर से
और सो है बटन पान डालो वापस बटन पान डालो मंगा दूसरी दूसरी लाओ दुकान पे से जकड़ो उसको और तेज से जकड़ लो उसको लगा कितनी है तेरी पूरी ताकत लगा जल्दी अब तो आया तेरे मर्जी से अब जाना मेरे जा तो भाई भाई नहीं जान देता कहे को देख किसके सामने बैठा तू तो अब नाला आया अब बुला रहा हूँ फौज को बाहर से बनने वाली फौज जंजीरा डाल के तेरे बन के मार देंगे तेरे को बुलाऊं बन के डाल दूं लोगों को जुलूम दे रहा कमीने बाप का तेरा राज चल रहा दुनिया में हाँ स्प्रे में पानी बोतल लगा के दो दूसरी नहीं झगड़ो उसको और तेज से इन क्या बोल रहे वहां का जार में का भर के दो कहते पिछले लाया हम पानी चकड़ो उसको और तेज से ये जलाओ 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 आग लगाओ जलाओ उसको नाला को जलाओ अब उसके अंदर से आग लगा दो चारों तरफ से अब भागने नहीं देते अब तेरे पाप देख क्या कर रहा था तू उसके आग में बैठ के हाँ कितने साल से था बहुत साल से हूँ मैं कितने बहुत साल से हूँ मैं कितने फिर भी कितने साल हाँ थोड़ी थोड़ी देर जनता की तरफ मार देना कैमरा कितने देर से था कितने साल अच्छा चलेंगे उसको चलाओ तेजी चलाओ देख मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है मुझे अच्छा नहीं दिख रहा तेरे कुत्ता मारने लगा ना नाला है सही से बोल फिर तेरे को छोड़ देता हूँ सवाल का जवाब दे मेरे जितना लेट करेगा उतनी तुझे मार पड़ेगी यहाँ से ले रहे उतने दूर पे गुजारा झगड़ो उसको और चलते क्या कर रहा था तू बच्चे को हाँ क्या परेशान कर रहा था उसको तू जोर से बोल हो सकता है और क्या करा हो सकता है इसको और मार तो इसको कैसा मारने वाला है मार तो एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के मार तो कैसा मार तो अरे तो कमीन के बच्चे कैसा मारने वाला है इसको भाई साहब बोल गुस्सा मत ला मुझे खत्म कर दूंगा नहीं तो पूरा हाँ बोल नाला मनमानिया कर रहा दुनिया में हाँ कैसा मारने वाला था उसको एक्सीडेंट करके बीमारी डाल के सुने नहीं आ रहा बीमारी में डाल के कौन सी बीमारी कौन सी बीमारी डाला क्या जुलूम चल रहा दुनिया में ऐसा बात कर रहा चल रहा बीमारी में डाल के मार रहे लोगों को कौन सी बीमारी डाला उसको हाँ नहीं बोलता चलाओ 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 तावीज़ के पास हाँ तावीज़ निकाल रहे उसके गले में का हाथ डाल के निकाल दे रहा अभी इसको और मार मार निकाल रखो रखो लोगों के गलों में जिससे ताकत मिली शैतानों को निकालो तावीज़ मारो उसको नालायक को कुबाब चल बोला कौन सी बीमारी डाल के मारने वाला था उसको बच्चे को कौन सी बीमारी डाल के मार रहा था उसने क्या बिगाड़ा था तेरा क्या दुश्मनी थी देखा या कैसी मार पड़ती तो ये अल्लाह कलाम की ताकत है तेरे अंदर आग लगा दो तेजी से लगाओ
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومن خصمه قليلا عوضي بعلي رطل القرآن ترطل إنا سنلقي على قول سقيل إنا ناشئة الليل هي أشد وطن وأخوى مقيل إنا لك في النهار صبحا طبيل واذكر اسم ربك وتبطل إليه تبطل رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيل واصبر على ما يقولون ويحجبون جميل وضعني والمغذرين على النعمة والمقليل إنا لدينا أنت المجهة الزاغوصة والعذاب العليم يوم تعود فضل الجبال كانت الجبال غضبا ميل إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعاتى فرعون الرسول فأخذنا خذلا وبيلا فكيف تتقون إن فرعون بيوم يجل الجدان شيب السماء منقصي شيب السماء فتنبح كان وده مفعولا إن هذه تذكرة ومشاء اتخذ الأرض سبيلا إن ربك يعلم أن يدعكم أن نسب ذلك ونسب رسولكم الطائفة من الذين معك والله من قدار الله إن النار نصب التبليغ فأقرب بها من القرآن لمن سيكون منكم مرضى فآخرون يضربون كل الأرض وآخرون يضربون كل الأرض وآخرون الفوز لله وآخرون خاطر في سبيل فأقرب بها من أقم الصلاة وآتوا الزكاة وآخذوا الله خيرا حسنا وما تقدموا لأنفسهم من خير تجده عند الله خيرا وأعز مرتبة واستغفر الله الغفور الرحيم चलाओ उसके अंदर से भी आग लगा दो उसके पेट में से भी आग लगाओ नाला चल बताओ उसको कब मारने वाला था मास में पूनम में जलाओ उसको तेज जलाओ और तेज आग लगाओ उसके पेट में झगड़ लो उसके पेट में से चल बोल कब मारने वाला था मास में पूनम में हाँ जोर से सुनो कैसा मारी डाल कौन सी बीमारी अम्मास में पुन्नम में चकड़ लो और तेज जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो उसको जकड़ो उसके बाबा का राज चल रहा उसके हाँ लोगों को मारने को कहा मिला था तेको बच्चा हो कहां से छोड़े उसके पेट में देखू हाँ कौन खिलाया वो कहने मिला खिलाए जल्द और लगेंगे उसके अंदर से आग जरा तेजी से उसके हाथा काट के लेंगे चल मैं तेरे हाथा काटने वाला बुला रहा हूँ तेरे हाथा काट ले काट लो बाद में बोलना नहीं मैंने जुलूम करा मैं किसी के साथ जुलूम नहीं करता तू उसके साथ जुलूम कर रहा है इस वास्ते मैं तेरे हाथा काटने का हुक्म दूंगा करा दू भसम जिन्ना दे मरे वाला इंसान है कौन है जिन्ना दे मरे वाला इंसान है जल्दी कौन है मरे वाला इंसान है जिन्ना दे बच नहीं सकता तू यहाँ देख लिया ना एक बार बच नहीं सकता यहाँ आया तू तेरे मर्जी से अब जाना मेरे मर्जी से पड़ता तुझे लगा कितनी ताकत है तेरी पूरी लगा Volto! Volto! Volto!
कितने महीने बचे थे अभी इसको मारने को? महीने साल दिन क्या था? कितना वक्त था? भस्म कर दूंगा दोनों हाथों। जलाओ उसके हाथों में और तेजी से आग भड़काओ, भड़काओ उसके हाथों में तेजी से आग भड़काओ। हाँ चल बोल, कितना वक्त बचा था? चलाओ 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 और दिन चलाओ। हाँ कितना वक्त बचा, जल्दी बोल। छह महीने, महीना, एक साल, कितने दिन बचे थे उसको मारने को? ऐसा वो हाथा काट के लेता हूँ। खैर अभी जकड़ लो उसके हाथ, और तेज जकड़ो, जकड़ो जकड़ो। अब ले लीजिए उसके हाथा काट के, और तेज जकड़ो, जलाओ ना तो मैं तेज से आग भड़काओ। बोल रहा कि काट लूँ तो माता वो। हाँ फिर बोल। अच्छा वो बच्चे का जादू चलाते टाइम पे क्या लिख गए थे, क्या लिए थे? हाँ बोल। चल खरीबा, चला और खरीबा, और आ गया, और आ गया। हाँ चल बता, बच्चे का क्या लेकर जादू चलाते टाइम पे? देखा यहाँ अदब का मकाम है, देखा ना, ये अल्लाह ने नवाजी वाली ताकत है। बंदे ने गंदे और बंदे ने सिखाए वाली ताकत नहीं है, ये अल्लाह ने नवाजे वाली ताकत है। कोई उस्ताद नहीं मेरा, चला बोल। इस वास्ते सब उस्तादों पे उस्ताद बना के बिठा लाए। चल बोल, देखा नहीं देखा कितनी ताकत है अल्लाह कलाम की? तुम आज तक तूने बहुत नींबू काटने वाले मौलवियों को देखा होगा, बहुत देखा था, वैसा समझा था मेरे को भी। अब देखा कैसी ताकत है तो अल्लाह कलाम की। बोल जबरदस्ती से लेके आया। कौन लाया? वही आया। अच्छा ऐसा समझ के आया था नींबू काटने वाला मेरे को? देखो शैतान मेरे को नींबू काटने वाला समझ रहा था, गली में का मौलवी समझा था मेरे को, कि मंदिर में का पंडित ना लाया पूरा टुकड़ा करा दूंगा तेरे। ये अल्लाह ने दिया की ताकत है ये। चल बोल अब क्या करो, अब तेरे साथ में दो हाथा काट के ले लो, दे दो हुकुम काटने का उनको। चल फिर मेरे सवाल के जवाब दे सही से। हाँ बता, वो बच्चे के काम वहाँ क्या कर रहा था तू? बिगाड़ा था क्या, क्या कर रहा था तू? तो से वो और क्या करा, और क्या कर, क्या क्या परेशानी करा उसको? शोर से बोल, पेट दर्द आना और दुखाया, सभी दुखाया। अच्छा उसके नौकरी के कारोबार के आड़े में? जोर से बोल, बर्बाद कर दिया इसको। और इसे घर में किस किस को कर, इसकी माँ को, बाप को, बहन भाइयों को, किस किस को? बी को। उसके माँ बाप को क्या करें? हाँ तू जितना बोलने में लेट करी ना तेको उतनी मार पड़ेगी, देखा ना कैसी मार पड़ रही। तो जल्दी जल्दी बोल, मैं उसके बाद में तेको बचा लूंगा। चल बोल जल्दी। हाँ माँ बाप को क्या करे उसके? उसकी माँ को क्या करे? उसको भी पुतला बनाए। हाँ उसको पुतला बनाए। अच्छा वो पुतला कहाँ गाड़े, शमशान में? खबर शमशान में। अच्छा और क्या करे बाप का? कमाई में बरकत नहीं है। और झगड़े डाले शादी इसके बीवी के। हाँ झगड़े कराए किसके किसके? बीवी के इसके।
अच्छा मियां भी झगड़े लगा है। हाँ, और अच्छा क्या दुश्मनी थी ऐसी? हाँ जोर से बोलो, तेरी अभी जबान काट दूंगा नाला। हाँ बोल। हसद से। कैसे? हसद से। हसद से ऐसी क्या हसद थी ऐसी? मालूम नहीं। कैसा नहीं मालूम? देखो देखो, हिंदू जादूगर ने भेजा, मुसलमान जादूगर ने भेजा। हाँ हिंदू भेजा। कितने पैसे दिए थे उसको? मालूम नहीं। क्या क्या मालूम है फिर तेरे को? खैर तेरे को क्या करता, तेरा एक हाथ काट के लेने का फोन करता। हाँ ले लू। तेरा नाम क्या था? मरे वाला इंसान है जिन्ना थे तू? कौन है? सही बोल। अभी बच्चे को कहीं में मिला खिलाए थे? चलो उसके हाथ काट लिए थे, जला उसके हाथों में पहले तेजी से आग लगाओ। सुने नहीं आ रहा मुझे? जला उसके हाथों में तेजी से आग लगाओ, उसके हाथों को जकड़ लो, तेज जकड़ो उसके हाथों को। कर दूं भस्म? सुन नहीं आ रहा मुझे? जोर से चला गया नालायक, चला और आ गया, चला और आ गया, आ और आगे और करीब और करीब। देख टच करता हूँ तेरे को, देख अभी पूरा खत्म कराता हूँ। हुसैन इब्ने अली का हाथ है, देख नालायक बात कर रहा चल रहा है तुम्हारा दुनिया में। हाँ आ गया आ गया, मैं तो संजीरा डाल दूंगा। और आ गया और आ गया। बोला और क्या कर रहे थे? उसके बहनों को भी करे परेशान, क्या करे उनको? बच्चे नहीं। हाँ बच्चे नहीं। तो से बोल बच्चे नहीं होना है। और दूसरे भाइयों क्या करे उसके? क्या करूं तेरे ससुरों का बहुत सोच रहा हूँ, क्या फैसला देना, खत्म करा दो पूरा भसम। अच्छा ये बच्चे का जादू चलाते टाइम पे क्या लिख गए थे? हाँ क्या लिए थे इसका? चल फिर दो सवाल गिराओ दे, इसका जादू चलाते टाइम पे क्या लिख गए थे, जादू किसने चलाया? बोल मैं छोड़ देता हूँ। हाँ बोल जल्दी बोल, गुस्सा नहीं आना मुझे। हाँ बोल। बोलना मना किए? उन्होंने मना किए भूंगरे भांगरे जादूगरों के सामने मत बोल, बोले यहाँ तेको पूछ रहे कौन है, तू किसके सामने बैठा नालायक, तेरी इतनी तो औकात नहीं है नजर में नजर मिला के मेरे से बात नहीं कर सकते। मिला नजर में नजर अभी जला देता हूँ तेको पूरा, मिला नजर में नजर देखेंगे मिला था क्या, भस्म कर देता हूँ पूरा तेको अभी।
कर दू पूरा भसम, उठा मुंडी ऊपर, मिला नजर में मिला था कि नजर, देख ऊपर पूरा जला के राख कर देता हूँ, देखो चल बता। हाँ कौन डाला था उसका नाम बोल, मैं पूछ रहा हूं ना तुझे, बोल नाम, चल बोल जल्दी, मुझे गुस्सा नहीं आना, जोर से बोल। ताया की किसका ताया था वो, जोर से बोल। वो वैसा है रिश्ते नहीं मालूम रहते मेरे को, नाम बोल। रमजान भी। हाँ रमजान भी। कहाँ रहती वो, गांव में रहती है, उसके गांव में। क्या दुश्मनी थी ऐसी, हाँ आगे नहीं बढ़ना बोल के उसके पूरे घर को खिलाए वाला है, माँ को बाप को बहनों को सबको। जोर से बोल। अच्छा सबको मारने वाले एक एक से, बाबा का राज चल रहा था रे तुम्हारे, देखा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा अल्लाह और उसका कलाम, कलाम इलाही। पढ़ू और लगाऊ आँख तेजी तेरे अंदर, हाँ क्या करना तेरे साथ वो सोच रहा हूँ मैं अब। और कौन कौन मिले आला है वो बड़ी बी के साथ में, उनकी बेटियाँ, क्या नाम है उनके, हाँ अच्छा कई का झगड़ा था, प्रॉपर्टी का था, हसद से कई की हसद थी ऐसी, आगे नहीं बढ़ना ये। वाह रे वाह, बाप का चरा चल रहा रे तुम्हारे लोगों को एक दूसरे को परेशान करने को। अब क्या फैसला दूं तेरे पे, भस्म करूं तेको, हाँ बोल बोल। कई में मिला खिलाए थे सबको, हाँ काय में मिला खिलाए थे, क्या पूछा मैं जल्द, हाँ काय में मिला खिलाए थे, हाँ काय में गोश्त में, काय का गोश्त था वो, चिकन मटन बड़े, अच्छा सालन था, बिरयानी थी, हाँ क्या था, सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बोलना आला पूरा जला दूंगा। हाँ सुने नहीं आ रहा मुझे, अच्छा कितने बार खिलाए थे, एक बार दस बार, बहुत बार, अच्छा अब क्या करना, अब तेजा सुलो इसके बहनों को, बच्चे क्यों नहीं हो रहे भाई, बच्चे के बंद कर दे बटन, बंद कर दे फास्ट, क्यों नहीं हो रहे, क्या करवाए थे, बच्चे नहीं होना बोल, जोर से बोल, बच्चे नहीं होना बोल के, अच्छा तूच कर रहा था ये सब तरफ बैठ के हरकत, अब क्या फैसला देना पापा इसके ऊपर, इसको भस्म करा दूं क्या, इसके हाथा काट के लूं क्या, क्या करूं, बोल रहे क्या करना, भस्म कर दूं तुझे, तूने बच्चे को पढ़ाई में दिल दिमाग नहीं लगने दिया, इसकी नौकरी को तबाह बर्बाद कर दिया, मैंने किया और क्या किया, तकलीफ बहुत तकलीफ दी है इसको, और जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास में, तो भस्म कर दूंगा, पूरा आंग दर्द कर दिया, जोर से बोल, पूरा आंग दर्द कर दिया, अच्छा चल अब तेरे पे क्या करना, वो दूसरे राउंड में देखेंगे तेरे कुछ, चल अब तोबा कर, बाहर निकल के जा खड़े रहे, चल निकल बाहर, उन्हें हरम मास पूनम को जादू टोने चला रही इस पे, हाँ पूरे घर पे, अरे जोर से बोलने, तेरी जबान काट दूंगा नालायक, पूरे घर पे बाबा का राज चल रहा है तुम्हारा, लोगों की परेशान करने को ऐसा, झगड़ो उसको तेज से, चल बाहर खड़ा हो जल्दी, छोड़ उसको बच्चे को, बाहर खड़ा हो जल्दी, इधर देखो मेरे तरफ देखो, ऊपर देखो क्या हुआ, साथ में और कोई आए नहीं, कहां से आए तुम,
आगे आओ थोड़ा। टोपी गिरी शायद तुम्हारी। ऐसा सा टोपी कहाँ गिर रही तुम्हारी? अच्छा इतना पानी कसका गिर गया तुम्हारे ऊपर? बारिश हुई दिख के? हाँ देखो इधर ऊपर देखो, मेरे तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखो, लोग देख रहे तुम आप पूरे। क्या हुआ बोलो? हाथ दर्द हो रहे। अच्छा यहाँ अंदर आने के बाद मेरे साथ सवाल जवाब हुए तो कुछ याद है क्या? हाँ कैमरे की तरफ देख के बोलो, लोग देख रहे तुम आप पूरे। कुछ भी याद नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो हल्का लग रहा है। हाँ आंग हल्का लग रहा है। अच्छा यहाँ अंदर आंग हल्का लग रहा, पहले वजन था क्या आंग? एबत बहुत लग रहा था पहले, पेट में दर्द। अच्छा अच्छा अभी तुम आप कुछ मालूम क्या है? सवाल जवाब हुए कुछ चला यहाँ आधा घंटा तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे आंग में कुछ शय हाजिर हुई थी और उन्होंने सब सवाल जवाब कर गई, कौन डाला क्या डाला, वो शय ने नाम बोली, मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसमें सब रिकॉर्डिंग में देख लो। और दूसरी बात के इससे पहले कभी कहीं हाजिर हुआ था क्या आंग पे? बोला मगर ये नहीं किया, जट से नहीं किया। अच्छा फिर तकलीफ होते हैं। अच्छा ओरिजिन बोला मैंने वो भी किया। तो नाम आने के लिए थे क्या? कौन करा था? नहीं वो लोग क्या भी नहीं पहुंच सकते, क्या भी बोला मैं वो जबान नहीं कर रहा था। जोर से बोलो, दुनिया देख रही तुम? जबान नहीं कर रहा था बोलो। हाजिर हुआ मगर मुंह ही खोला था? नहीं खोला था, किसी के सामने खोला नहीं अभी तक, मतलब दूसरे के जरिए से बोलने लगा। वैसा दूसरे के जरिए से नहीं, तुम्हारे आंग पे आके बोला था क्या? नहीं बोला। उसको मेन इलाज बोलेंगे, वैसा कोई भी कुछ भी बोल रहा किसके भी मुंह से वो थोड़ी सही रहता। सही वो रहता कि तुम्हारे जो छांग में शय है उस शय ने बात करना, उसको इलाज वाला बोलते सही। और वैसे इलाज वाले दुनिया में बहुत कम है जिसको अल्लाह ने नमाज के बिठा डाला है। अभी तुम्हारे आंग में आया था और आके सब बोल के गया कि उन्होंने बहुत सारे बातें बोला, अभी बहुत चला यहाँ पे आधा एक घंटा, उसको बहुत मारे पहले तो उसको मार पड़ी। यहाँ अल्लाह ने ऐसा नमाज वाला है कि उसके पहले सबसे पहले उसको जकड़ लेते यहाँ पे ताकि उसको बेअदब कर चाले करने देते। यहाँ से यहाँ का निजाम ऐसा है कि यहाँ से शैतान डर के भागता, पीछे भाग रहा था बार बार, और दूसरे तरफ कैसा रहता लोगों के आंख पे जाता हमले करने, बोलता क्या आदमी को डरा रहा कैसा, और यहाँ से उन्हें डर के भागना पड़ता क्योंकि अल्लाह का निजाम है कुदरत का। ये इमाम अली का इमाम अली अलैहिस्सलाम का घराना है, स्वास्थ्य अल्लाह ने उसे नमाज ले सकता है। कहाँ पर? अच्छा वहाँ दर्द हो रहा, वहाँ तो उंगली रख के पढ़ रहा था ना, मजा नहीं तो उंगली रख के पढ़ा था, उसके बाद सर पे उंगली तुम्हारे से इधर रख रहा था तो उसको आग लग रही थी अंदर, तो बोल रहा था छोड़ दो मुझे छोड़ दो, खाली टच कर रहा था मैं आग। और दूसरी बात अभी भी क्या बोलते, तो इससे पहले हाजिर कहीं से नहीं हुआ? मगर हाजिर हुआ वो क्या भी बोला नहीं, खाली मुंगा खाली सा हलता था, हलता बहुत हाथ बहुत। अच्छा तुम यहाँ पर आए तो तुम यहाँ कब आए? परसों आया। अच्छा परसों आया, आज तुम्हारा नंबर आया? फर्स्ट मेरा नंबर, अभी नंबर लगा उनका। अच्छा ठीक है, पहला नंबर उनका आया आज। और दूसरी बात कि तुम यहाँ पर आए तो आने के बाद में यहाँ जब अंदर आए तो कैसा था तुम्हारा वजन? था हल्का था, इधर ही एंट्रेंस हो गया पूरा एकदम हेवत लगना, पेट पूरा एकदम, ये जो कुछ है इधर। हाँ उसने कुछ बोला, उसने उसमें है रिकॉर्डिंग में देख लो, उसने कुछ तो भी बोल रहा था, कोई बीमारी पर दाला करा उन्हें बोल रहा था, उसके जबानी पूछ रहा था उसको तो। बहुत डॉक्टर तुम्हारे बहुत सारे बातें बोला उन्होंने, बहनों के बारे में बच्चे नहीं होते उसमें जो बोला उन्होंने बोला, रिगार्डिंग में देख लो सब तुम्हारा मालूम होता देखने बाद। और करने वाला कौन है मालूम तुम्हारा? हमारे दूसरे जरिए से बोलने लगाया था इसमें, यहाँ तो रिकॉर्डिंग में उन्हें शैतान ने बोला खुदा के तुम्हारे आंग में, रिकॉर्डिंग में देख लो। अच्छा और एक बात के क्या पूछ रहा था, भूल गया था। खैर अब कैसा लग रहा तुम्हारा आंग? रिलैक्स हल्का लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ से आए तुम, क्या नाम है तुम्हारा, जोर से बोलो उधर देख के क्या बोलते? गंगावती से। गंगावती कर्नाटक। वो कहाँ था? कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। कोपरा कोप्पल कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कोप्पल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ था वो? होस्पेट होस्पेट बल्लारी। बल्लारी के पास। अच्छा मैं बेंगलोर में रहता हूँ, जॉब छोड़ छोड़ के बहुत बार जॉब छोड़वाए। कई की जॉब करते थे? नेटवर्क इंजीनियर था मैं। बोले तो जो इंटरनेट देखते ना जियो का ऐसे सब अलग अलग बड़ा कंपनी। अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है, खैर आपका दिल का बहुत सारे बातें हैं। वो क्या क्या बोला उसमें रिकॉर्डिंग में तुम देख लो, तुम आपको समझ में आता। मैं मेरे मुंह से मेरी जबानी क्या बोलूँ, और मैं देखो सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा या गलत बात है ऐसा, तुम एक दूसरों के बच्चों पे खुद के बच्चे, अब मेरे बोलने को भी अल्फाज नहीं मेरे में कुछ, तुम्हारे को क्या बोलना, तुम्हारे को तो शर्म नहीं आ रही, तुम लोग बेगैरत हो गए, एक दूसरे पे जादू डोने चला रहे। अरे 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 चलो चला रहे तो चला रहे, किस पे चला रहे,
खुद के क्या बोलते तो अपनी को जानो, बोलने को भी अल्फाज नहीं है। तुम्हारे लोगों को इतना बोलूंगा मैं कैसा मत करो, एक दूसरे के घर पर मत जलाओ जादू टोनों से। तुम अगर एक दूसरों पे करेंगे तो तुम ये मत भूलो कि तुम दूसरे का घर जला रहे मगर अल्लाह बैठे आलम तुम्हारा घर जलाने को। अल्लाह तो तुम्हारे समझो किसी से नफरत नहीं करता, अल्लाह सबसे 70 माह की मोहब्बत करता, मगर जो तुम्हारे आमाल जो खराब है, जो तुम तुम्हारे आमाल खराब बना दे रहे एक दूसरों पे जादू टोने करके, तुम्हारे आमाल तुम्हारा को सजा देते। ये दुनिया आईना है, तुम जैसा सुलूक करोगे जिसके साथ वैसा सुलूक तुम्हारे साथ होगा। तुम ऐसा किसी की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे तुम्हारे भी पेट में अल्लाह ने औलाद दिया, फिर तुम्हारे औलाद का तुम्हारे नाती नवासों का उनका खराबा हो जाता, वो तुम्हारे आमाल उनका पीछा करते हो उनको बर्बाद कर देते हो। इस बात किसी का बुरा मत सोचो, सबके बारे में अच्छा सोचो। जितना तुम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे उतना तुम्हारे बारे में अल्लाह की तरफ से अच्छे अच्छे फैसले होंगे। तुम अगर बुरा सोचेंगे तो तुम्हारी आखिरत भी गई और तुम्हारी दुनिया भी गई, दोनों जहां से भी तुम क्या बोलते तो बहुत खतरनाक तरीके से आजाद में गिर जाएंगे। इस वास्ते सबसे बेहतर है अल्लाह की इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, और जब भी तुमको अल्लाह ने इतना बड़ा खजाना इल्म का दिया ला है कि जिसकी हद नहीं है, कुरान हदीस दुआएं क्या नहीं उतारा तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने, ये अल्लाह ने उसकी इबादत कराने के वास्ते तुम्हारे को नहीं उतारा, तुम्हारी इबादत की गरज नहीं है अल्लाह को ये बोल के बता दिया अल्लाह ने, ये तुम्हारी हिफाजत के वास्ते उतारे वाली चीजें। तुम पढ़ो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तुम्हारी हिफाजत होती है। ऐसा कोई जादू टोना करने वाला जादू टोना कर नहीं सकता, किसी की इतनी औकात नहीं इबादत करने वाले पे जादू टोना चला दे सके, क्योंकि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। तुम दुआ पढ़ के घर से बाहर निकले तो तुम अमान में रहेंगे, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। तुम दुआ पढ़ के खाना खाएंगे तो कोई खाने में तुम्हारा कुछ भी मिला के खिलाया तो तुम्हारे को उल्टियां होकर निकल जाएगा। सहाबा इकराम के वाकये दुनिया के सबसे खतरनाक जहर का वाकया है, पढ़ो वो हदीसों के अंदर तुमको मालूम होता कैसा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और कुरान की कुछ आयातें पढ़कर वो जहर पी लिए थे खालिद बिन वलीद ने, तो कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ पसीना गार बाद में जहर था, जबकि वो जहर ऐसा जहर था जो कबीले पर दीन की दावत देने गए थे तो उस कबीले के सबसे 400 साल उम्र वाला बुजुर्ग था वहां बैठा था। उस बुजुर्ग के हाथ में एक लकड़ी थी और लकड़ी के ऊपर साइयों करके एक वो थी बॉटल कुछ भी फिट कर लीजिए वो भी उस दौर की, उसके अंदर वो जहर था। तो उस बुजुर्ग ने बोला तुम मेरे तक दीन लेके आए, मेरे कबीले को तुम बोल रहे दीन कबूल करो, ठीक है मेरा दीन कबीला कबूल करेगा मगर तुम्हारा भी खुदा सच्चा है तो जरा बताओ मुझे, ये दुनिया का सबसे वाहिद एक जहर है जिसका तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर, जो मैं 400 साल उम्र मेरी है और ये मेरे डंडे के अंदर है और ये कबीले का समझो सबसे ज़ईफ इंसान मैं हूं। तो उन्होंने बोले ठीक है हम पीते। खालिद बिन वलीद ने अल्लाह के नाम पे जहर पी लिए थे, पढ़ के आया थे पीते ही, वो भी दुनिया में ऐसा जहर था कि उसका तोड़ ही नहीं था, तोड़ ही नहीं पीते जो उसका तोड़, हर चीज का तोड़ अल्लाह ने अल्लाह का कलाम रखे आला है पीते क्या बोलते तो एकदम कुछ भी नहीं होंगे, खाली जरा सर का पसीना का जैसे कैसे हो गए। ये सब पढ़ो तो तुमको मालूम होता अल्लाह के कलाम को उसकी इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। ये दुनिया के फितने फसादों में, ये दुनिया के बातों में, ये हमारे जमातों में इसमें बढ़ जाएंगे तो फिर तो तुम मार को क्या बोलते तो मेरे को बोलने को भी अल्फाज नहीं है, तो फिर आजादों में गिर जाएंगे। जो आते बेहतर है कि अपना अपना इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, तुम्हारे ऐसे कोई बलाएं टच नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते कुछ नहीं। देखो बच्चे की मिसाल तुम्हारे सामने जब भी मैंने पढ़ा ना, पढ़ते जो हाजिर हाउस के आने पर सब बोल के खाना उन्हें क्या थी दास्तान क्या है, ऐसा था मेरे को अच्छा नहीं दिखता ऐसा देखने के बाद, ऐसा गुस्सा आ जाता मेरे को, ऐसा शैताना जांगों में छोड़ के कर रहे बोल के। इस वक्त मैं शैतान को गुस्से में बात करता, नरमी से शैतान को बात नहीं कर सकते, नरमी से करा मैं तो ना सिक्की सक के भाग जाता। और दूसरी बात कि कोई भी शैतान नहीं निकाल सकता किसी के भी आंग में की शय, अगर निकालने की कोशिश करे तुमने तुम छोटे मोटे आए मिले तो उन्हें तुम्हारे ऊपर हमला करती बाद में कहीं पकड़ के। यहाँ का निजाम ऐसा ही हमें डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से नमाज वाली चीज जो भी है, तो देखो तुम्हारे सामने जो भी जितना भी दिया अल्लाह ने दिया, और ऐसा जरूरी नहीं मैं ये पढ़ के निकालू वो पढ़ के निकालू। कई बार तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे भी आयतें पढ़ लिया सूरतें पढ़ा कि भाई आज इनका नहीं निकालिए कल देखेंगे नंबर, आज थक गया 17-17 घंटे हो गए तो भी मैं कुछ भी पढ़ लिया तो हाजिर होता हूँ, कुछ भी पढ़ के फूक दिया तो भी हाजिर होकर जाना पड़ता उसको निकल के, वो जबान का तासीर है अल्लाह ना। अगर मैं नाद भी पढ़ूंगा तो भी उसको आना पड़ता जाना पड़ता निकल के, मार वही चीज पढ़ती उसको, सब निजाम है अल्लाह का। तो तुम भी पढ़ो जबानों में बनाओ ऐसा तखवे परहेजगारियां करो, टीवियां देखना हो रहा तुमको, कुरान पढ़ना नहीं हो रहा तुम्हारे को, मोबाइल चलाना हो रहा तुम्हारे को कितने कितने घंटे चले जा रहे, अल्लाह वो भी तो हिसाब लेगा तुम्हारे से, कैसा नहीं पूछेगा कि मोबाइल में 17 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे क्या कर रहा था तू, बोलेंगे ना मोबाइल को मिस यूज मत करो उसका अच्छा यूज करो, उसके अंदर हदीस है कुरान वो खोल के पढ़ो अंदर तुम, तो तुम्हारे को सही तरीके से इल्म आएगा, इल्म की रोशनी में रहना सीखो। जो जाहिल है उसको बेवकूफ बना देती हूँ दुनिया, जिसका नहीं इल्म नहीं उसको इसमें बांट देते उसको फिरकों में इसमें उसमें, मत बटो नेक बनो और एक बनो और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। क्या जरूरत है वो उन्हें ये बोल रहा है नहीं बोल रहा, तुम डायरेक्ट पढ़ सकते हो ना, तुम डायरेक्ट पढ़ के देख सकते, जरूरी नहीं भाई हम कुरान या तो सीखो
मस्जिद में जाके नहीं सीख सकते तो मोबाइल पे सीखो, हर चीज है तुम्हारे वास्ते, तुम्हारा हथियार है भाई, किसका कुछ जाने वाला नहीं है। तुम सेफ रहेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली सेफ रहेंगी, तुम अगर आफत में से घिरेंगे तुम्हारे को कुछ परेशानी होंगी तो एक के वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती। एक की वजह से अगर एक घर में एक मेंबर को तो उसका ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन कोई चैन से खा सकते ना सो सकते, सबका दिल दिमाग उधर ही लगता ना, कमाने में लगता ना कहीं में नहीं, उसकी तबीयत खराब है जी उसको कैसा अच्छा करेंगे हम, ऐसा लगे आता था सबके दिमाग में हल्का। बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और ये हसद जलन ये सब दिलों से निकालो, ये गलत बात है कि तुम खुद पिस जाएंगे, तुम खुद जल जाएंगे। दूसरों के वास्ते खड्डा खोदने वाला खुद खड्डे में गिरता, दुनिया की मिसाल है ये भी। इन बातों पर अमल करो सबसे बेहतर है और ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। क्यों हसद जलन, खुश हो अल्लाह ने किसी को नवाजा तो ज्यादा से ज्यादा खुश हो, अल्लाह तूने उसको नवाजा और तू उसको नवाजा, अल्लाह खुश होकर बोलता मेरे बंदे को उसको मैं नवाजा तो इन्हें खुश होकर मेरा शुक्र अदा कर रहा, मैं इसको नवाजा तो इन्हें मेरा कितना शुक्र अदा करेगा, नवाजो इसको बोल के नवाजता अल्लाह कभी नहीं। बहुत सारी बातें बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं, चलो ठीक है जो है। तो देखो ये सब लाई हुई जो भी था सामने तुम्हारे सामने की दास्तान है, अब खैर इसके अलावा क्या बोलूँ मैं, कुछ और कुछ पूछना तुमको? उनको बिचारों को कुछ इतने मालूम हो, अंदर आए उनको इतना मालूम, सलाम करे सामने बैठे, बाद में उनके आंख में सडनली हाजिर हुआ और उसने सब बोला बोल के गया, वो देख लो उन्होंने भी देखी है दुनिया भी देखी सब उसके अंदर। और एक दूसरी बात के क्या बोला था मैं भूल गया था, खैर बार बार ऐसे जॉब छुड़ा तो सेफ क्या करना है, सेफ्टी के लिए अब तुम आप सब देंगे ना जिक्र अस्कार कुरान आदि की पढ़ने, हाँ सब देंगे बाद में आज फजर की पढ़ने को कंटिन्यू सब चीज़ें हों, अल्लाह की उन सब होता राइट जैसे तरीका उस तरीके से मन करो सब कुछ करा देते। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि तुम कितनी बार आए यहाँ पे, कितना राउंड है तुम्हारा, ये पहला है फर्स्ट टाइम में आते चांद में आगा, हाँ जी उधर देख के बोलो दुनिया देख रही तुम्हारा पहला बार है। अच्छा ये ऐसा रहता किसी किसी का फर्स्ट टाइम में चला जाता, किसी का सेकंड टाइम में, किसी का थर्ड राउंड में, ऐसा रहता जरूरी नहीं रहता हर किसी का फर्स्ट राउंड में पकड़ू मैं, खुद ब खुद निजाम चलता अल्लाह की तरफ से, खुद ब खुद आके सब बोल के जाते हैं रास्ता, खाली इतना है कि लड़ो मत एक दूसरे को, अल्लाह लेता सबसे बड़ा। तुम्हारे गले में का ताबीज शैतान खुद बोल रहा था निकालो निकालो, ताबीज से अटक के बैठा था क्या, उन्हें कौन दिया था ये वो गांव में देख रहे हैं कई के आस्ते जो बोला था ना ऐसा वो बार बार कर रहे हैं, मैं निकाले तो फिर भी करेंगे वो शैतान तो बोला था निकालो मैं अटक के बैठा कुछ तो वैसा बोल रहा था, देखो तुम अब मालूम होता उसमें, मैं मेरे मुँह से तो कुछ नहीं बोलता, मैं क्या बोलूँ, मैं खाली दुनिया को इतना बोलूंगा कि एक सलाह मत करो ऐसा मत करो, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद, शर्म करो मर के क्या तुम्हारा को मुंह नहीं बताने का अल्लाह को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं सबके निकल रहे एक दूसरे के आपस में रिश्तेदार एक दूसरे पे जादू टोना कर रहे, ये गलत है हर धर्म में हर इसमें बोले अल्लाह कि मर के जाके ईश्वर को मुंह बताना, क्या बताते तुम फिर ईश्वर को मुंह, ऐसा बताते हम दुनिया में उदम मचा के आए, हम दुनिया में जादू टोना करके आए एक दूसरे पे, शर्म करो जरा अच्छे अमल बनाओ, जिंदगी में ऐसे मौके तलाश करते जिंदगी किसी के काम आ जाए, वो सब बोले आपको करो शेयर किसका कि अगर तू कल मर भी जाए तो ये दुनिया तुझ पे नाज करे, वैसा करो आलम कि लोग रोना करे अच्छे से इंसान का दुनिया से, तुम ऐसे बदमाश लोग आए दूसरे पे जादू टोना करे लोग तो खुश होंगे बोलेंगे अच्छा हमारा होगा तो वह करके बोलना, खैर मैं कोई अल्फाज नहीं बोलने के लिए, चलो ठीक है तुम बोलो कुछ बोलना है तुम आप लोग आगे कर देना, कैसा लग रहा कर्नाटक से। चलो ठीक है।